फूड पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्लेवर्ड पोटैटो बास्केट चाट। इसके लिए हमें मीडियम साइज के आलू लेने हैं, जिनको दो विसल में बॉयल कर लेंगे। आलू को ज़्यादा कुक नहीं करना है। ठंडा होने के बाद आलू के छिलके निकाल देंगे और उनको इस तरह से ऊपर से कट करके और फिर किसी छोटे चम्मच की सहायता से स्कूप करते जाएंगे। हमें आलूओं को धीरे धीरे गोल घुमाते हुए अंदर से बीच से खाली करना है। मैं दूसरा करके दिखाती हूँ। आलू को ऊपर से थोड़ा सा कट किया और छोटे चम्मच की सहायता से इसको घुमाते हुए इसका बीच का हिस्सा खाली कर लेंगे। इस काम को थोड़ी सावधानी के साथ करें और हल्के हाथों से करें। इस काम के लिए आप चाकू का इस्तेमाल ना करें, छोटे चम्मच का इस्तेमाल करें। इसी तरह से हम सारे आलूओं को बीच से खाली कर लेंगे। ये हमारे आलू तैयार हो चुके हैं और इसके बाद निकले हुए आलू में हम मिक्स करेंगे बॉयल काले चने, स्प्राउट मूंग दाल, चॉप्ड ऑनियन, फाइनली चॉप्ड टोमेटो, भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली के दाने, चॉप्ड चिलीज, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से अनार के दाने, नींबू का रस, फिर डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू के साथ हमें सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। फिर जो हमने आलू खाली किए थे उनमें हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और तैयार किए हुए मसाले को चम्मच की सहायता से इन आलूओं में फिल करते जाएंगे। फिर हम ऊपर से डालेंगे ग्रीन चटनी। ये मिंट और कोरिएंडर की ग्रीन चटनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक चटनी, फिर डालेंगे थोड़ा सा दही, और फिर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसको आप एक पार्टी स्नैक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और सेव। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें हर तरह का फ्लेवर है, खट्टा, मीठा, तीखा। इसको बास्केट लुक देने के लिए हरी मिर्च को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है और उसके बीजे निकाल दिए हैं और उनको इस तरह से लगा लेंगे जिससे कि हमें ये बास्केट का लुक देंगी और देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और खाने में कोई तीखापन नहीं लगेगा। और पोटैटो बास्केट चाट बनकर रेडी है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।